मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको सलामती वाली हैर बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज ही आपके साथ में गजरेले की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह है। ये जी मेरे पास ये 2.5 किलो जोनसिया ने ये काजनी है, 1 किलो चीनी है, ये 500 ग्राम जोनसिया ने ये मेरे राइस है, ये 4 घंटे पहले मैंने भिगोए हुए थे। तो उसके बाद ये जी नारियल का इसको बॉयल करके उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। बादाम है कुछ कुछ, ये किशमिश है सौंगी, और ये कुछ बादाम जो उनसे है ये गार्निश पे है, पिस्ता है, काजू है, और ये खोपरा है, और वो है जी वनीला एसन, और 7-8 इलायची हैं उनके दाने निकाल लिए हैं, और ये 2 चम्मच जो उनसे 4 मगज़ हैं, और मेरे पास ये 5 kg जो उनसे ये दूध है, इसमें मैं 2.5 किलो गाजरें डालूंगी। बिस्मिल्लाह, हम दूध को हम इधर उबाइल करने के लिए रखते हैं, इसकी फ्लेम ऑन कर देते हैं, और इधर हम जो उनसे ना गाजरे भून लेते हैं। सबसे पहले जिसमें ऑयल डाल देंगे, चाहे तो आप घी डाल दें, लेकिन मैं बस 4 चम्मच ऑयल डाल के ना वो बना रही हूँ। 4 चम्मच इसमें ऑयल चला जाएगा, साथ ही इसमें भी इलायचियाँ डाल देंगे, गाजरे में इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदन नूर में नूर अल्लाह। ये जी इसमें गाजरे चली जाएंगी। गाजरों को मैं थोड़ा सा ऑयल में इलायची के साथ, इलायची के दाने के साथ इसको भून लूंगी। उतनी देर तक दूध को उबाला आ जाएगा, तो फिर इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी। मैंने गाजरों को छिलका उतार के इनको वॉश करके इनको मैंने सारा क्रश कर लिया। 3 किलो गाजरों में से मैंने 2-3 गाजरें जो उनसे ना बस वो बचाई हैं, बाकी ये जो गाजरें हैं इसको जी मैं ऑयल डाल के ज़रा भून लूँगी। उतनी देर तक हमारा ये दूध जो उनसे ना इसको भी उबाल आ जाएगा। भून के डालने से इसका जो उनसा पानी है ना वो भी ज़रा सही, जो गाजरों का जो कच्चा पानी है ना वो ख़त्म हो जाता है। 5-7 मिनट में इसको भूनूंगी इलायचियों के साथ, जिसको दूध के साथ दूध में ऐड कर दूँगी। बाकी सारे इन्ग्रीडियंट में फिर दूध में ही डाल दूँगी। 5-7 मिनट तक भूनती हूँ उसको मैं जी। पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं डालना, बस 4 चम्मच ऑयल डाले हैं, 7-8 दाने इलायचियों के डाली हैं, बस इसको 4 चम्मच ऑयल डाल के 5-7 छोटी इलायचियाँ डाल के भुना है। अब देखें इसका गाजरों का पानी सारा ड्राई हो गया, अच्छी तरह ये भुन गई है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसको जो दूध हमने इधर उबाइल करने के लिए रखा हुआ है ना, अब इस दूध में ऐड कर देंगे। हमारे दूध भी हमारा गर्म हो गया, मुझे इसको चेंज कर देती हूँ, इसकी फ्लेम बंद करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम पे जी इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं ये सारी गाजरें। मैंने अभी इसकी ऑन नहीं की क्योंकि दूध को उबाला आ गया था, तो अब मैं इसकी फ्लेम ऑन कर दूंगी। ये सारी जो गाजरें मैंने भुनी है अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। इस तरह गाजरों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इसको सेपरेट भून लें पहले, तो फिर दूध इसमें ऐड कर दें। मैंने दूध अलहदा बर्तन में इसको बॉयल कर लिया हमारा, ताकि टाइम बच जाए। उतनी देर तक मैंने गाजरें भूनी है जब तक ये इसका पानी जो दूध को उबाल आ गया। अब इसमें ना हम राइस ऐड कर देंगे। राइस मैंने 4 घंटे पहले मैंने भिगोया हुआ था, इसको मैंने वॉश किया, तो ये देखिए ऐसे बिल्कुल बारीक कनी जरा बारीक छोटा छोटा पीसीज हो गए इसके, ये भी साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
गाजरें हमारी पहले भुनी हुई हैं, चावल जो उनसे ये हमारे कच्चे ही हैं, इसलिए बिल्कुल इनको 4-5 घंटे पहले भिगो लें, फिर इनको वॉश करके ज़रा मलेंगे तो फिर ये सारे खुद ही पीसेस छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। फ्लेम मैंने दरमियानी नहीं की, फ्लेम मैंने फुल कर दी है। अब थोड़ा सारा दी गाजरों का और दूध और चावल जो उनसे इसके बाद आने का वेट करेंगे, हल्के हल्के हाथ से ज़रा इसको हलाएंगे, बाकी फिर बाद में ये बाकी इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड करेंगे। उबाल आने के लिए ना हल्के हल्के हाथ से ज़रा हिलाएं और साथ साथ पास ही खड़े रहें जब तक इसका उबाल नहीं आता। दूध का उबाल आ गया इनका, तो अब जी इसमें ये इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कोकोनट इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये भी थोड़ा इसके अंदर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, वैसे तो उबाल की हुई है। बादाम भी ऐड कर देंगे, और फिर थोड़े से 4 मगज इसमें ये ऐड कर देंगे, जरूर डालें, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये वनीला इसेंस है, ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, आप ज़रूर मीठे में डाला करें, इसकी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप सबको सलामती वाली और बरकतों वाली ज़िंदगी दे। अभी ये 1 घंटे के लिए जी दरमियानी फ्लेम पे पकता रहेगा, फिर बाद में दरमियान में चम्मच हल्का हल्का हलाती रहेंगे, 1 घंटे के बाद मिलते हैं जी। इसको हल्की आँख पे रख देंगे, हल्की फ्लेम पे, तो दरमियानी फ्लेम पे रखा हुआ था, अब देखिए काफ़ी थिक हो गया है। अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1.5 कप शुगर है, देखिए ऐड कर देंगे इसमें। आप इस तरह मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा और टेस्टफुल बनता है, और गाजरों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। गाजरों का हलवा बनाएं, गजरेला बनाएं, ये सर्दियों की सौगात है, आप अपने बच्चों को ज़रूर ये बना के दिया करें, इसका बहुत बेनिफिट है। सुबह नाश्ते में आप दही के साथ खाएं, इसको बलाई के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टफुल और यमी जोनसा ना इसका टेस्ट बनता है, और बड़ा ही अच्छा है इसका फ़ायदा। आप ज़रूर इसको मेरी ट्राई, इसमें इसको दरमियानी फ्लेम पर बनाया है। अब देखें ये हमारा जो इसकी कंडेंस ये देखें, ये काफ़ी थिक हो गया है हमारा गाजरों का ये हलवा, गजरेला हमारा काफ़ी थिक हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, इसमें थोड़े से जी डालेंगे जी ये सोंगी, ये डाल देंगे इसमें, ये हमने इसकी टाइम डाली थी, अगर पहले डालते तो जब हम गाजरों को चीनी के साथ मिक्स करते हैं ना तो इसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना था, तो हमने इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। ये देखिए जी, अब इस टाइम पे आप इसकी चीनी चेक कर सकते हैं, क्योंकि गाजरें भी मीठी थी तो इसलिए चीनी मैंने इसमें 1.5 जोन से ना वो प्याली डाली है। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लें, और बहुत अच्छा और टेस्टफुल ये बना है जी। जमी देखे 5 किलो दूध था, इसमें मैंने 3 किलो गाजरें ली थी, साफ की हैं, 3 गाजरें मैंने बस बचाई हैं, बाकी मैंने इसमें सारी गाजरें डाल दी हैं। साफ़ वगैरह करने से इसको मूलिकरण किया है, तो मूलिकश किया तो इसकी गाजरें जो सी ना ये दो ढाई ना रह गई हैं, 2.5 किलो इतनी सी ये गाजरें थी, और इसमें जी 1 किलो चीनी ऐड कर दी है मैंने, और मेरी जो उनसी प्याली थी वो मैंने जो उसके साथ फरमाइश की थी 1 किलो चीनी इसमें चली गई है, बस थोड़ी सी इसमें चीनी मैंने कम डाली है क्योंकि गाजरें काफ़ी ज़्यादा मीठी थी, तो इसमें मैंने ज़्यादा मीठा नहीं करना था। इस टाइम पे आप इसकी चीनी चेक कर लें, अगर छींटे वगैरह पड़े तो आप ज़रा कवर कोई ले लें ऐसे, या कोई बर्तन पकड़ लें, या कोई कपड़ा ले लें, क्योंकि छींटे वगैरह आपके मुंह के ऊपर आपके हाथों के ऊपर ना पड़े, इस वजह से मैंने इसका कवर इसी का कवर जो है ना मैंने ज़रा सिर्फ सेफ्टी के लिए पकड़ा हुआ है। अब मैं जी इसको डिश आउट करूँगी, थोड़ी सी फ्लेम ज़रा इसकी हाई करके, और थोड़ी सी ज़रा जो है थोड़ा दूध और ज़रा इसका थिक कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट। ठंडा हो के भी इसमें थिक हो जाना है, इसको फिर मैंने ज़्यादा भी थिक किया ना तो ये फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए इतना ही बस इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी। अब जी इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, अब मैं इसकी डिश आउट करूँगी जी, ये डाल रही हूँ इसमें, 4 मगज इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा
सारा जी इसमें बादाम भी मैंने क्रश करके डाल दूंगी। कुछ मैंने बादाम जो उनसे है ना उबाल के उसके अंदर भी ऐड किए हैं। ये पिस्ता थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे और ये काजू ऐड कर देंगे जी। इसमें अपनी मर्जी से आप कोई भी नट्स वगैरह डाल दें, कोई भी फ्रूट उसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, इसके बेनिफिट ही है। ये बहुत ज़्यादा मज़े का और पीसफुल बना है। आप इस मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप सबको सलामती वाली खैर औफियत और बरकतों से भरी हुई ज़िंदगी नमाजी। आमीन। मिलते हैं जी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।